press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मॉर्निंग. सबसे पहले मैं पंचायत हल्का मलिकोट की सरपंच सुषमा राजपूत हूँ. मैं आज यहाँ पे मिडिल स्कूल में विजिट करने के लिए आई हूँ. यहाँ पे कम से कम 150 बच्चों की जो है वो स्ट्रेंथ है, लेकिन टीचर्स यहाँ पे ओनली 2 टीचर्स हैं. लेकिन यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो 6 है यहाँ पे सेंक्शन, लेकिन हमारे यहाँ पे 4 पोस्टें जो है वो खाली है. और हमारी स्ट्रेंथ जो है बच्चों की, वो आप देख रहे होंगे कितनी स्ट्रेंथ है, 150 तक हमारी जो है वो स्ट्रेंथ है. तो मेरी डीसी मैम, सीओ मैम और जडियो सर से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है यहाँ पे जो 4 पोस्टें खाली है उन पोस्टों को फिलअप किया जाए. और मेरी ये दिल से ये एक रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे यहाँ पे खजल हो रहे हैं. आज हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए हैं. यहाँ पे हमें खाली सिर्फ 2 टीचर मिले हमें, जो कि इतने 150 बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं. तो इसलिए हमारे जडियो सर, सीओ सर और डीसी मैम से खास करके रिक्वेस्ट है कि वो हमारी जो 4 पोस्टें जो वैकेंट हैं उनको फिलअप करवाए. तो बाकी यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ के बच्चों का. बाकी यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो अच्छी है. मिड डे मील अच्छे से चल रहा है. तो बाकी जो है डिसिप्लिन भी एजुकेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है. और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है बच्चों को, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. और ये जो बच्चों को इस साल जो यूनिफॉर्म दी गई है, ये सर जो यहाँ के सर है उन्होंने अपने पैसों से लेके इनको वो जो है वो दी है. और यहाँ पे हमारी बाथरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. बाथरूम जो है हमारे यहाँ पे जो बाथरूम बना हुआ है इसको लॉक किया हुआ है. हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे बाथरूम. ये हमारे जो है 2 बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन इनके अभी जो है वो पेमेंट बिल्कुल नहीं हुई. ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ताले लगे हुए. यहाँ पे टीचर्स को बहुत, टीचर्स और बच्चों को जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. इसकी हाफ जो जिसकी ज़मीन, जिसने ये बाथरूम बनाए हुए हैं उनको जो है वो पैसा नहीं मिला. और उनका कहना है कि जब तक, और हाँ, और जब तक उनको पैसा नहीं मिलता वो कहते हैं कि मैं तब तक ये बाथरूम नहीं खोलूँगा. तो मेरी डीसी मैम, जडियो सर और सीओ सर से एक रिक्वेस्ट है कि वो इन बाथरूम्स को खुलाने की कोशिश करें और जल्दी से जो इनकी पेमेंट है वो करें. बाकी यहाँ पे गर्ल्स जो है उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो साथ में रोड भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. वो गर्ल्स बाहर भी नहीं जा सकती. तो इसलिए मेरी डीसी मैम, जडियो सर से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन तालों को खुलाए और बाथरूम जो है, ताकि ये हमारे बाथरूम्स हैं मैम जो कि बंद पड़े हुए हैं अभी तक. अगर देखा जाए तो आजकल आप गर्ल्स इम्प्रूवमेंट की जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसका मतलब यही है कि गर्ल्स, तो फिर अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप, अगर ये बाथरूम्स नहीं खुले तो उस ट्रेनिंग का देने का क्या मतलब है. अगर गर्ल्स बाहर जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगता है. ये कम से कम ये बाथरूम्स तो अगर स्कूल के लिए बनाए गए, यूज़ के लिए बनाए गए, तो इनका यूज़ होना चाहिए. तो इसलिए मेरी डीसी मैम से खास करके रिक्वेस्ट है कि वो भी एक फीमेल है और वो फीमेल्स की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं. तो मेरी मैम से ये रिक्वेस्ट है कि इन ये जो बाथरूम्स लॉक हुए हैं इनको जल्दी से जल्दी इनकी पेमेंट करवा के इनको खुलाया जाए. ये लड़की का गला नहीं, तो मैं ये कहूँगा रेस्पेक्टेड इंचार्ज है मास्टर साहब, बाकी इनके साथ जो है बिट्टू भाई जी, तो यहाँ हमने सरपंच को साथ लेके यहाँ स्कूल की विजिट की आज. मुझे बड़ी खुशी हुई है, कल मैंने 3 स्कूल की विजिट की, इतना डिसिप्लिन मुझे किसी स्कूल के अंदर नहीं मिला. जो डिसिप्लिन MS बानी के अंदर है मुझे बड़ी खुशी हुई है. हमें किसी टीचर से कोई ज़िद वाली बात नहीं है, नहीं हमारे को हिस्सेदारी का मसला है. हमें सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना है. एजुकेशन ही दुनिया के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है. तो मैं मैनेजमेंट, डीसी मैडम साहिबा से, डायरेक्टर साहब से, सीओ साहब से, जडियो साहब से रिक्वेस्ट करूंगा. मैं पूरी पंचायत हल्का मल्लिकोर की पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी करके 4 पोस्टें यहां पे खाली हैं इनको पूर किया जाए, क्योंकि बड़ी ही प्रॉब्लम होती है. यहां पे सेंटर भी है,
पे सेंटर वाले टीचर को वो भी प्रॉब्लम है, खुबी सभी लोग जानते हैं, 11 स्कूल पता नहीं कितने इसके अंडर हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे जो है टीचर की ऐसा ज़रूरत है। डायरेक्टर साहब ये एक हज की बात होगी, डीसी साहब ये हज की बात है, ये तीर्थ साधन की बात है, मेहरबानी करके मल्लिकोर के स्कूल की मात की जाए, यहाँ टीचर दिए जाएँ, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। 150 बच्चों को एक टीचर जो है अगर हाजिरी लगाने में बैठेगा, आप खुद ही जानते हैं ऑफिसर्स हैं तो कितना टाइम लगता है, वो क्या पढ़ाएगा। हमें बहुत ही इस चीज़ का दुख है। तो बाकी रही यहाँ पे हेडमास्टर की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की इनरोलमेंट ज़्यादा है। तो ये भी मैं गुजारिश करूँगा कि हेडमास्टर भी यहाँ एक भेजा जाए, ताकि हमारे स्कूल की कोई ना कोई जो है पढ़ाई का जो सही मतलब जो है ढंग से चले। तो ज़्यादा बोलते हुए मैं इस बात को यहीं जो है ख़त्म करता हूँ। मेरी दोबारा यही रुख से बाकी रही वर्दी के बारे में, वर्दी के बारे में टीचर ने अपने बेचारे ने कहीं जेब से पैसा खर्च करके इन बच्चों को वर्दी दी है। बच्चों वर्दी मिली है? मैं कहीं भी गया देखो यूनिफॉर्म में बच्चे दिखता है, बच्चों को पूछने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस टीचर ने बेचारे अपने जेब से पैसे खर्च करके वर्दी दी है। सीओ साहब और जडियो साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर एक इतना अमीर नहीं है कुछ जो 150 बच्चों को जेब से वर्दी दे। तो मेहरबानी करके सीओ साहब इस टीचर की पेमेंट की जाए। बाकी मैं इन रिटर्न में अपनी पंचायत से रेजोल्यूशन लेके आऊँगा। मेरी पंचायत के अंदर जो है 9 मेम्बर हैं, 9 वार्ड हैं, प्लस सरपंच है, तो मैं एक चेयरमैन हूँ। तो ये मैं एक रिटर्न में लाऊंगा, डीसी साहब से भी साहिबा से भी रिक्वेस्ट करूंगा। तो सबसे बड़ा जो है पंचायत की तरफ से हमारा ये मुद्दा है कि यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ के डिसिप्लिन देख के, यहाँ की यूनिफॉर्म देख के, जबकि गवर्नमेंट ने इस टीचर को यूनिफॉर्म दी नहीं है। मैं 3 स्कूल में कल गया विदाउट यूनिफॉर्म मुझे बच्चे मिले, वहाँ मैंने पूछा, बोला जी कोई पैसा आया था, वो फंड दूसरे खाते में डाल दी। मैं यहाँ अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चों की फंड है वर्दी की वो दूसरे खाते में ना डालिए, वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये दूसरे खाते में क्यों डालते हो, इसको दोबारा नहीं डालना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना है। थैंक्स।